दोस्तों, दुनिया के हर लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति को रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जाती है। जैसे भारत में इसे राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, उसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति जिस भवन में रहते हैं उसे व्हाइट हाउस कहा जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसे व्हाइट हाउस ही क्यों कहते हैं? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जब इसका निर्माण हुआ था तो इसे व्हाइट हाउस नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पैलेस या प्रेसिडेंट मेंशन कहा जाता था। तो चलिए जानते हैं ऐसी क्या वजह थी कि उसका नाम प्रेसिडेंट पैलेस से हटाकर व्हाइट हाउस रख दिया गया। व्हाइट हाउस सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान ही नहीं बल्कि यह अमेरिका की ऐतिहासिक विरासत का एक उत्कृष्ट नमूना है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास तथा मुख्य कार्य स्थल होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान व्हाइट हाउस दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, और अमेरिकी राष्ट्रपति भवन जिसे आज व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है, उसके इस नाम से जाने जाने के पीछे की कहानी कुछ यूँ है कि साल 1814 में ब्रिटिश आर्मी ने वाशिंगटन डीसी में बहुत सी जगहों पर आग लगा दी थी, और इस घटना में व्हाइट हाउस भी चपेट में आ गया था और इसकी खूबसूरत दीवारें खराब हो गई थी। जिसके बाद इमारत को फिर से आकर्षक बनाने के लिए उसे सफ़ेद रंग से रंग दिया गया। इसके बाद से ही इसे व्हाइट हाउस कहा जाने लगा। और ज़्यादा जानकारियाँ के लिए हम आपको बता दें कि इस व्हाइट हाउस का डिजाइन जेम्स होबर ने तैयार किया था, जो आयरलैंड के रहने वाले थे। इसका निर्माण वर्ष 1792 से लेकर 1800 के बीच में किया गया था। कुल मिलाकर 8 साल में इसका निर्माण कर पूरा हुआ। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस जगह आज व्हाइट हाउस बना हुआ है वहाँ पर कभी जंगल और पहाड़ हुआ करते थे। चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं व्हाइट हाउस के अंदर के बारे में, यानी कि व्हाइट हाउस में क्या क्या मौजूद है। दोस्तों, व्हाइट हाउस का भीतरी हिस्सा इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि वो 18वीं सदी में आयरलैंड के किसी आलिशान बंगले जैसा दिखता है। व्हाइट हाउस में कुल 132 कमरे हैं, जिसमें आपको 35 बाथरूम, 412 दरवाजे, 147 खिड़कियां और 8 सीढ़ियां समेत 3 लिफ्ट भी देखने को मिलते हैं। कुल 6 मंजिला इस इमारत में 2 बेसमेंट और 2 पब्लिक फ्लोर हैं, और बाकी बचे शेष फ्लोर को अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। और इस भवन के अंदर कुल 140 मेहमानों को एक साथ रात्रि भोजन की भी व्यवस्था है। व्हाइट हाउस के अंदर सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही आधुनिक सुविधा मौजूद है, जो किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र के होना चाहिए। इसके अंदर एक बंकर भी मौजूद है, जो किसी भी मुसीबत के वक्त, जैसे किसी देश के आक्रमण या अन्य विपरीत परिस्थितियों में, अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हाइट हाउस के इस खुफिया बंकर यानी कि सीक्रेट बंकर इन व्हाइट हाउस की सुरक्षा काफ़ी तगड़ी होती है। जब तक आपके पास नक्शा, कोड बारडस और किसी बड़े अधिकारी का संपर्क ना हो तो वहां तक पहुंच पाना नामुमकिन है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस पर किसी बम का भी असर नहीं हो सकता है, यह पूरी तरह से सुरक्षित राष्ट्रपति भवन है। और व्हाइट हाउस की बाहरी दीवारों को पेंट करने के लिए 570 गैलन रंग की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि साल 1994 में व्हाइट हाउस को पेंट करने का काम किया गया था, तो इसका खर्च 283,000 डॉलर यानी कि करीब 1,72,00,000 रुपये से भी ज़्यादा आया था। तो दोस्तों, यही है अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस, जिसे पूरी दुनिया का सबसे सुरक्षित राष्ट्रपति भवन माना जाता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।